बात कर रहे हैं मेनन पिस्टन की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक में 1% तक की गिरावट के साथ इस वक्त स्टॉक जो है 77.01 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। स्टॉक है ऑलरेडी गिरावट में, ऑलमोस्ट 94 के लेवल से रिजेक्शन लिया और वहाँ से लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बीच बीच में हमको जंप देखने के लिए मिल रहा है, स्टॉक बीच में हमको जंप दिखा रहा है, लेकिन जंप पर ना सस्टेन हो रहा है और ना अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट कर रहा है और रिजेक्शन के साथ रिसेंट लो ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही, जहाँ से जंप आया था 80 के सपोर्ट से, उस सपोर्ट को नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में अब देखिए हम अगर चार्ट पैटर्न पर, तो इससे पहले बड़ी गिरावट के साथ जहाँ सपोर्ट लिया था, इससे पहले भी स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी, ऑलमोस्ट 104-105 के लेवल से सेलिंग आई थी, तो 74 के लेवल पर सपोर्ट लेता हमको स्टॉक नज़र आया था। तो इस वक्त देख सकते हैं स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास ही नज़र आ रहा है, लेकिन स्टॉक पर है सेलिंग प्रेशर बना हुआ। हम देख सकते हैं लगातार गिरावट में और मार्केट में भी लगातार सेलिंग देखने के लिए मिल रही, जिसके चलते इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन भी करता हमको नज़र आ सकता है। अगर 74 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो वैसी सिचुएशन में 70 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है, फिर 70 तक की गिरावट दिखा सकता है, फिर यहाँ से इसके खेल के पलटने के चांस बनेंगे। लेकिन आप अगर स्टॉक में जंप आता है, रिकवरी आती है, तो जिस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका है 80 इमीडिएट टारगेट है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो ये जो हाई है जहाँ से रिजेक्शन के साथ गिरावट दिखाया और रिसेंट लो ब्रेक डाउन कर गया 85 का लेवल, अगर बाउंस बैक के साथ इस हाई का ब्रेकआउट कर जाता है 85 जो इसका रिसेंट हाई है, इसके ब्रेकआउट के बाद इधर सस्टेन हो जाता है, तो फिर यहाँ से रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है, अपसाइड फिर दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करके चलना ठीक रहेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।